आपने आपके आसपास ऐसे कई लोग देखे होंगे जो इंसानियत की बातें करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो इंसानियत धर्म का पालन करते हैं। इसी का पालन शहर के एक ई रिक्शा चालक ने किया है। क्या है इसके पीछे की संपूर्ण कहानी, आइए जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। शहर में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। ऐसी ही एक घटना लकड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत भी सामने आई है, जहां चिकली चौक बजाज मोटर्स के सामने एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ था और हमेशा की तरह ही लोग आजू बाजू खड़े होकर उस तड़पते व्यक्ति को देख रहे थे। लेकिन इसी दौरान कृष्णा गुजर नामक एक रिक्शा चालक ने देखा कि वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, जिसके बाद ई रिक्शा चालक उसे ऑटो के जरिए अस्पताल ले गया, जहां उस व्यक्ति पर उपचार हुआ और वो ठीक हो गया। इस बारे में खुद ई रिक्शा चालक ने अधिक जानकारी साझा की। मैं घरून सकाळी निघालो, निघताना चिकली चौकाच्या पुढे बजाज खेमका मोटर्स आहे, तिथं गर्दी जमलेली होती आणि तिथं ते ॲक्सिडेंट झालेले लोक असे पडले होते रस्त्यावरती, लोक फोटो काढत होते, व्हिडिओ बनत होते। मला अचानक मला ते त्याच्या हातबोट चालताना दिसले, तर मी कल्पना केली हा वाचू शकते, तर मी ताबडतोब नाही काय ॲटो थांबवला, कारण माझी ई रिक्षामध्ये पिकअप नसते, त्याच्यामुळे मी ॲटोवालेले खूप थांबवलं, कोणी न्यायला तयारच नव्हतं। ठीक आहे, मग मी माझ्या गाडीमध्ये टाकलं त्याला, कारण माझी गाडी पडतच नव्हती, त्याचा जीव वाचला नसता त्याचा जीव चालला गेला। तर मी एका ॲटोवाल्याला रिक्वेस्ट केली, त्या ॲटोवाल्यानी एक वेळा लकडगंजमध्ये त्याला शिफ्ट केले, त्याच्यावर ट्रीटमेंट केली, तो वाचला आता। आणखी मी मग घटनास्थळावर पुन्हा गेलो, तिथं पोलीसवाल्याला कॉपरेट केलं आणि तिथून मग मी इकडे आलो। एक तड़पते व्यक्ति की सहायता कर ई रिक्शा चालक कृष्णा गुजर ने इंसानियत असल मायने में क्या होती है उसका पाठ हर किसी को पढ़ाया। अगर इंसानियत की सिर्फ बात करने की बजाय लोग उस पर अमल करें, तो वही सही मायने में मानव धर्म होगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।